स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम एपेक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन यानी कि IVCA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया है और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1.25 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, जो 12 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। देश में 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। हमारे स्टार्टअप ने 12,000 से ज्यादा पेटेंट रजिस्ट्रेशन किए हैं। पीएम ने आगे कहा कि इस बार के अंतरिम बजट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया। उन्हें फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। इससे आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना KG का, वैसा ही हमने शुरू किया। और इससे फिर एक स्टेज आकर गया, इंक्यूबेशन सेंटर बनते गए। Tier 2, Tier 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है, और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं, 300-300, 400-400 की संख्या में है। और हर एक में एक से बढ़कर एक कुछ कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो होगा ठीक है।